हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लाई हूँ आप लोग के लिए एक ज़बरदस्त सी मीठी सी रेसिपी जिसका नाम है कैंडी डिलाइट। कैंडी बिस्किट डिलाइट भी बोल सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर सबसे पहले आपने ले लेने हैं कैंडी बिस्किट्स, और जी यहाँ पर ये डंडा कुंडा, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, आई डोंट नो उर्दू में, तो ना आप चाहें तो इनको ग्राइंड भी कर सकते हैं ग्राइंडर में। अच्छे से इन बिस्किट्स को मैंने क्रश कर लिया है, बहुत ही इजीली हो गए थे। और यहाँ पर मैं इनको प्लेट में सर्व कर लूँगी। और जी द सेकेंड स्टेप इज़ क्रीम। आपने क्रीम ले लेनी है जो कि चिल्ड होनी चाहिए। उसको इस तरह से बाउल में डालेंगे आप, लेकिन क्योंकि चिल्ड नहीं थी तो मैंने उसको फिर से फ्रीज़र में रख दिया था। और यहाँ पर मैंने शुगर को भी क्रश कर लिया था अच्छे से जी। तो अभी बहुत ठंडी हो चुकी है, अब हम इसको करेंगे विस्क। अगर आपके पास जो है बीटर है तो आप उससे भी इसको बीट कर सकते हैं, लेकिन मैं हैंड विस्क ही यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पर इसमें मैंने चीनी डाल दी और इसको अच्छे से मैंने मिक्स करना है। इतना मिक्स करना है कि आपको इसकी क्वांटिटी डबल लगने लगे। आप चाहें तो यहाँ पर आप व्हिपिंग क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने नॉर्मल वाली ली है। तो जी जितना हो सका, और उसके बाद मैंने इसको फिर से फ्रीज़र में रख दिया था और फिर से इसको जो है ज़्यादा ठंडा करके बीट किया था। इस तरह से बहुत मेहनत लगी थी, लेकिन आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर होगा तो आसानी हो जाएगी बहुत। वेल, इसको जैसे तैसे मैंने बहुत अच्छे से कर लिया था। हियर यू कैन सी कि इसकी क्वांटिटी आपको डबल लग रही होगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी कीजिएगा। जी तो फाइनली क्रीम का काम ख़त्म हो गया, मतलब अच्छे से बीट हो गई। और यहाँ पर वही क्रश किए हुए बिस्किट्स हैं जो मैंने करके रखे थे पहले ही। आप कोई भी कंटेनर ले लें इस तरह से प्लेट सा, और इसको इन बिस्किट्स को इसमें बिछा दें अच्छे से। और मुझे थोड़े से मोटे मोटे अभी भी लग रहे थे, इसलिए मैं यहीं पर इनको क्रश कर रही हूँ। आपको शायद इसकी ज़रूरत ना पड़े तो आप नेक्स्ट स्टेप जो है ना फॉलो कीजिएगा जी। तो आप ये क्रीम उठाएंगे और इसके ऊपर टॉपिंग करेंगे क्रीम की, लेयरिंग टाइप। जितनी आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी हो उस हिसाब से करते जाइएगा। और मेरी तरह अगर क्वांटिटी कम है तो इसी तरह से कीजिएगा जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ। और जी फिर से बिस्किट्स की लेयर आ गई। बहुत इजी रेसिपी है और बहुत टेस्टी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और जी यहाँ पर फिर से जो है क्रीम की एक और लेयर आएगी। अच्छे से मैं सारा बाउल साफ कर लूँगी अच्छे से।
देखें बहुत अच्छे से इसको मैंने सेटअप कर लिया है इसका। नाउ मेरे पास ये बिस्किट्स और भी अवेलेबल थे तो मैंने सोचा इस तरह से ऊपर रख लेती हूँ। अब ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो किसी भी तरीके से इसको गार्निश कर सकते हैं, लाइक सर्व कर सकते हैं। सो दैट्स इट, अब ये तैयार है फ्रीज़र में जाने के लिए तकरीबन 6 से 7 घंटे के लिए, या जब तक ये जम नहीं जाता। सो हियर इज़ द फाइनल लुक। अच्छा, ऊपर वाला हिस्सा इसलिए ऐसा हो गया है क्योंकि क्रीम जो है ना वो थोड़ी सी इधर उधर हो गई थी, या बोले तो ढक्कन टाइट था। मुझे यहाँ पर देखें कितने अच्छे से इसका पीस कट हो रहा है, और ये देखें ऐसा नहीं लग रहा कि मैंने केक बनाया हुआ है। सो आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।